पिकअप देखो इस गाड़ी का, देखो पावर मोड में आ चुका है क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा हूँ, एंड जैसे ही कमा दूंगा ये इकोनॉमी मोड में आ जाएगा, उसका मतलब फ्यूल जो है ना वो थोड़ा कम खाएगा। बिल्कुल ना सुपर स्कूट एडिशन में जितना पावर है ना उतना ही लग रहा है मुझे। आपको माइलेज के लिए चाहिए तो इससे अच्छा स्कूटर नहीं मिलेगा इंडियन मार्केट में। इसमें 70 kmpl का माइलेज मिलता है पर लीटर पे, एंड इसमें 8 bhp है एंड 8 Nm ऑफ टॉर्क है, तो बहुत अच्छा लगा वो चीज़ देख के। एंड ऐसा कोई स्टूडेंट या ऐसे कोई ऑफिस जाने के लिए लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा खासा माइलेज है, एंड सिटी में भी इसको यूज़ कर सकते हो गाइस। बहुत ही अच्छा स्कूटर देखो, तो माइलेज के लिए अच्छा है। एंड मैं पावर के बारे में बात नहीं करता हूँ, कोई लोग होते हैं ना जो माइलेज देखते हैं पावर नहीं देखते, उन लोगों के लिए ये स्कूटर ना बेस्ट है। तो ये है अपना वीगो, एंड गाइस गूगल पे सर्च मत करो, इंडियन मार्केट में ये बैंड हो चुका है। तो मीटर देखो बहुत फ्यूचरिस्टिक टाइप का है देखो, और यहाँ पे जो स्पीड है ना वो दिखाता है हायाबुसा टाइप का ZX10R से, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड ये देखो फ्लाशर में साउंड है इंडिकेटर पे, तो इधर मुड़ोगे तो साउंड जो है ना वो करता है। कितना रनिंग हो चुका है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अपना ऑडोमीटर, एंड यहाँ से मोड सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा ये ट्रिप का है, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ जो है ना वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, तो मुझे पता नहीं तो हाथ नहीं डालते हो सब चीज़ में। तो इग्निशन देखो, ये अपना की बिल्कुल एंट्रो का तरह आता है, एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट इसमें आपको चॉक मिलता है। अभी सुनते BS6 है क्या? हाँ BS6 है ना, तो BS6 में चॉक है यार। देखो एग्जॉस्ट नॉइज़ देखो गाड़ी का है ही नहीं, शांति पूरा देख रहे हो। चलो निकलते हैं यहाँ से पहले, इसका मीटर ना बहुत ही अट्रैक्टिव है। एंड गाड़ी पूरा स्मूथ है, वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है यार, 3 साल पुराना गाड़ी है वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है, ये ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं। आजकल का जो प्लीजर प्लस और प्लीजर है ना उससे बेहतर लगा मुझे ये। पिकअप देखो इस गाड़ी का, देखो पावर मोड में आ चुका है क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा हूँ, एंड जैसे ही कमा दूंगा ये इकोनॉमी मोड में आ जाएगा, उसका मतलब फ्यूल जो है ना वो थोड़ा कम खाएगा, एंड पावर मोड में ना थोड़ा ज़्यादा फ्यूल जो है ना वो खाएगा। देखो ओवरऑल लीनिंग कैपेबिलिटी इज़ ओके, टायर साइज इज़ ओके, टायर जो है ना वो बेटर है रोड पे, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा क्या बोलते हैं ना वो ज़्यादा सस्ता टायर ऐसे होता है ना, जैसे कि प्लीजर को ही देख लो उसका टायर इतना पतला है, और वो गाड़ी ना थोड़ा बहुत बैंड नहीं होता है, लेकिन वैसा मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिल रहा है। गाड़ी जो है ना वो बिल्कुल रोड में आराम से बैठता जा रहा है देखो, एंड थोड़ा बहुत ऑफ रोड कैपेबिलिटी भी देखो इस गाड़ी का, उबड़ खाबड़ चल जा रहा है बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को देख के, एंड इसमें बॉडी टेक या बैलेंस टेक कुछ एक टेक्नोलॉजी था जो मुझे पता नहीं है, एंड आप लोगों को पता है तो बताओ। ओ भाई अभी एक एक्सीडेंट हो जाता था यार, ये देखो गाड़ी स्मूथ एक्सलेट करने में ना इतना स्मूथ फील हो रहा है ना कि क्या बताओ आपको। तो इसमें आपको ना 8 bhp का पावर मिलता है अलॉन्ग विथ 7500 rpm जैसे कि मैंने बता ही दिया आपको, एंड इसमें आपको 8 Nm का टॉर्क भी मिलता है अलॉन्ग विथ 5500 rpm जो कि बहुत अच्छा बात है। एंड ये 1 लीटर में ना 60-70 का माइलेज देता है, कंपनी क्लेम करता है 63, लेकिन जो विष्णु दा ने बोला है ना वो 70 का माइलेज है। एंड आई लव दिस फ्लाशर यार, देखो पिंग पिंग कर रहा है ना, तो ये आपको याद दिलाता रहेगा कि इंडिकेटर जो है ना वो ऑन है, एंड आप रनिंग के समय नहीं भूल सकते हो। जैसे कि होते हैं ना कुछ राइडर इंडिकेटर जला के बिंदा चलाते रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि इंडिकेटर उनका जल रहा है, तो ये चीज़ ना उन लोगों के लिए ठीक है। वैसे मेरा हैबिट हो चुका है अगर मैं इंडिकेटर जो है उसे यूज़ करता हूँ तो मैं थोड़ा टाइम के बाद ऑब्वियसली उसे ऑफ़ कर देता हूँ, ये तो अपने हैबिट के ऊपर है, लेकिन ज़्यादातर लोग वही करते हैं कि इंडिकेटर ऑन कर देते हैं लेकिन ऑफ़ करना ना भूल जाते, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ ठीक है। पिकअप इज़ ओके, बिल्ड क्वालिटी ना इज़ बेटर देन एंटोर्क, एंटोर्क में जो प्लास्टिक आता है ना उससे अच्छा इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी देखने के लिए मिलता है। एंड मीटर देखो, मीटर इट्स फ्यूचरिस्टिक टाइप का मीटर है, देखो यहाँ पे देखो ये जो है ना स्पीड, यहाँ पे जब आप गाड़ी एक्सलेट करोगे ना ये मीटर देखो ऐसे बढ़ते जाता है, ऐसे 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 टाइप से सी टाइप से बढ़ते जाता है, तो ये चीज़ अच्छा लगा मुझे।
ये देखो सुपर बाइक में होता था ना ऐसा करके, ZX Trainer में देखा था मैंने, सेम उसका तरह ही है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा। एंड RBM का क्वालिटी इज ओके, बहुत हार्ड है यार, मेरा बाइक से भी हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है पूरा। तो बिल्ड क्वालिटी जो है ना वो मानना पड़ेगा, TVS ने कुछ सालों पहले बहुत अच्छा काम किया था। ये गाड़ी ना 2010 को लॉन्च हुआ था, लेकिन कुछ सालों बाद ये गाड़ी जो है ना वो बैंड हो चुका है। एंड आई डोंट थिंक जो मोटर ब्लॉगर इसे यूज़ करते होंगे, मैंने आज तक तो नहीं देखा कोई मोटर ब्लॉगर वीगो को चला के राइड कर रहे हैं या ब्लॉग बना रहे हैं। ज़्यादातर लोग इस गाड़ी को ना इग्नोर ही करते हैं, ये सोचते हैं कि यार ये ऐसा गाड़ी कौन दिखाता है, ऐसा बोलते हैं ज़्यादातर लोग। लेकिन कैपेबिलिटी का क्या कहना, देखो ज़्यादातर लोग ना एंड्रॉयड के ऊपर ही वीडियो बनाते हैं स्कूटर के बात करें तो, लेकिन ये स्कूटर को मानना पड़ेगा यार, हाँ इसमें पावर नहीं है, एंड हाँ इसमें पावर नहीं है, बट आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाता है, पिकअप इज ओके, एंड 8 BHP का पावर है यार, एंड्रॉक से बस 1 BHP का फ़र्क है। एंड प्राइस तो जमी आसमान का फ़र्क यार एंड्रॉक और इसमें, एंड्रॉक तो देखो 1 लाख से ज़्यादा पड़ता है, लेकिन ये 1 लाख से नीचे ही आपको मिल जाता है, तो वो चीज़ अच्छा लगता है। वैसे मिडिल क्लास फैमिली जो है ना वो सोचती है कि अच्छा खासा एक स्कूटर ले एंड जो कि अच्छा खासा माइलेज देता हो एंड ड्यूरेबिलिटी अच्छा खासा हो, तो उन लोगों के लिए ये स्कूटर बेस्ट है। एंड जो स्टूडेंट है उनके लिए भी ये स्कूटर बेस्ट है, मैं यही सजेस्ट करूँगा। आप माइलेज देखती हो तो इस स्कूटर पर आओ एक बार यार, माइलेज आपको पता लग जाएगा कि कितना देता है ये। ये हाफलोंग लेक का व्यू देखो, हमारे यहाँ ना ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड की लेते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे तो उतना अच्छा नहीं लगता है वो गाड़ी, बॉडी मटेरियल उसका उतना अच्छा नहीं है, क्या बताएं, लोगों का अपना अपना चॉइस है। वैसे हाफलोंग लेक जो है ना अभी अंडर कंस्ट्रक्शन पर है, अभी तक बना नहीं है, जब ये पानी छोड़ेगा ना तो बहुत अच्छा लगता है। एंड एक चीज़ आप नोटिस करो, हाफलोंग लेक क्यों फेमस है ये मैं बोलने जाऊँ तो, हाफलोंग लेक ना इसलिए फेमस है क्योंकि हिल के टॉप में है ना एक लेक, होता नहीं ना ऐसे, लेकिन पहाड़ी इलाकों में देखो ऑन द टॉप ऑफ द हिल यहाँ पे आपको एक लेक मिलता है। सो ये एक पॉइंट था, तो चलो टॉपिक पे आ जाते हैं। तो जैसे कि टॉपिक था इस गाड़ी का, बिल्ड क्वालिटी ओके, चौक मिलता है, देखो कैरी हुक यहाँ पे है, की वहाँ पे है, मीटर बहुत ही अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक टाइप का मीटर है, मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ। यहाँ पे अपर डिपर का स्विच है एंड पास की का भी यहीं है, फर्क कुछ नहीं है। ये हॉर्न है इसका, देखो इंडिकेटर तो मैंने दिखा दिया, साउंड बहुत अच्छा लगा यार, जो लोग भूलते हैं ना उसके लिए ठीक है। इग्निशन देखो यहाँ पे, किल स्विच होता है ना वो नहीं मिलता है, बाकी इसमें आपको इग्निशन मिलता है, आप चाबी से ऑफ करना पड़ेगा गाड़ी अगर ऑफ कर रहे हो तो। पावर मोड में देखो कितना खींचता है, एंड यहाँ पे आज मैट्रिक एग्ज़ाम है, मैं बाइक चलाता हूँ ना फिर भी मुझे टायर अच्छा खासा लगता है इसका। तो पिकअप इज ओके, बिल्कुल ना सुपर स्कूट एडिशन में जितना पावर है ना उतना ही लग रहा है मुझे। और यहाँ पे अपना चार्ली है, इसका मैं बूट स्पेस नहीं दिखाया ना आपको, बूट स्पेस दिखाता हूँ और एग्जॉस्ट एक बार आपको दिखाता हूँ। ये देखो साइड स्टेन सेंसर नहीं है इसमें, वो अलग बात है। तो इसका जो बूट स्पेस है ना गाइस वो है 16 लीटर का बूट स्पेस, एंड एग्जॉस्ट जो है ना वो देखो मेटल का आता है, एंड मेटल का गार्ड भी मिलता है। देखो ऐसे नहीं कि आपको स्कूटर पे प्लास्टिक का गार्ड दे दिया, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, अगर कोई राइडर और यूट्यूबर कुछ हो तो बताओ ये चीज़ का मतलब क्या होता है, फीचर कहाँ काम देता है, बॉडी बैलेंस टेक्नोलॉजी। ये मुझे टायर के लिए दिया ऐसा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा चौड़ा टायर दे दिया ना उसके वजह से मुझे लग रहा है ये बॉडी बैलेंस टेक्नोलॉजी। वैसे यहाँ पे कोई स्विच विच नहीं है, बॉडी देखो मेटेलिक है इसलिए मैंने बोला कि एंड्रॉक से अच्छा है। हैंडल ग्रिप भी देखो मेटल का है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है यार, देखो ये देखो बस इसमें थोड़ा सा प्लास्टिक दिया गया है लेकिन नीचे तरफ का मेटल है देखो। तो ऐसा स्कूटर इंडियन मार्केट में अभी तो नहीं मिलता है मेटेलिक वाला। तो गाड़ी ओवरऑल ना गाइस कुछ ऐसा दिखता है देखो, एंड इसके फीचर बताऊंगा ना तो आप चौंक जाओगे। TVS का वीगो सीरीज था जो कि अभी बैंड हो चुका है इंडियन मार्केट से, आई मीन डिसकंटिन्यू हो चुका है, ये अभी नहीं मिलता है।
आपको माइलेज के लिए चाहिए तो इससे अच्छा स्कूटर नहीं मिलेगा इंडियन मार्केट में। यह है अपना फ्यूल कैप, यहाँ से अपना फ्यूल जो है वो भरा सकते हो। एंड फुट रेक देखो, बेटर देन एंटोर्क। वैसे बिजनेस कितना साल हो गया इसका? मैंने लिया था 2020 को, थ्री इयर्स हो चुका है। अभी तक कुछ प्रॉब्लम दिया नहीं है, अब इसमें ब्रेक की टाइट करना पड़ता है, बाकी सब कुछ ओके है, माइलेज भी बहुत अच्छा देता है। सो गाइस, मैं तो ये स्कूटी लैमडिंग से लिया था। सो गाइस, मैंने इसका सर्विसिंग फ्री 4 बार लैमडिंग जाके किया था, तो 4 बार मुझे फ्री करना पड़ा। और यहाँ पे हाफलॉन्ग के मैंने लगभग 2-3 महीना में एक बार करता हूँ। एंड आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं दिया? नहीं, अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है ना, बिंदास चल रहा है गाड़ी। जैसे कि आजकल के एंट्रोक में होता है ना, साउंड निकलता आ रहा है इंजन के साइड से। नहीं नहीं, ये सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो आपका कितना गया था टोटल इसको लेने में? ऑन रोड प्राइस तो 56,000 दिया था। अच्छा, सो बाकी इधर लगभग मेरा 75-80 के आसपास चला गया। आजकल तो नहीं मिलता है गाड़ी? नहीं नहीं, आजकल का। तो एक और प्लस पॉइंट, इसमें आपको चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है। पहले की बात करो, 2010 में चार्जिंग सॉकेट दिया था, तो वो बहुत ही अच्छा चीज़ है। तब तो कोई स्कूटर में चार्जिंग सॉकेट नहीं था, आई डोंट थिंक सो एक्टिवा में भी चार्जिंग सॉकेट मिलता था उस समय, तो ये चीज़ मानना पड़ेगा टीवीएस ने बहुत अच्छा काम किया उस चीज़ में। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा राइड रिव्यू ऑफ वीगो 110, जो कि टीवीएस का है, एक सीरीज था जो कि अभी बैंड हो चुका है। जैसे कि मैंने बोला, बिशनता के साथ मैंने एक बार राइड पर गया था, तो बिशनता का चैनल जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेकआउट कर लेना, तो सब्सक्राइब कर लेना भाई को भी। एंड उनका अभी ना 1000 होने वाला है, तो 1000 करा दो, उनका 1000 कर दो, उसके बाद 1000 का सेलिब्रेशन वाला वीडियो भी बहुत जल्दी इनके चैनल पे आने वाला है, तो चेकआउट करना उनके चैनल भी, मैं वहाँ पे आते रहता हूँ उनके चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इस तरह से और वीडियो बनाते रहेंगे, और क्या।